गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रेंच सिमुलेटर। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने कई तगड़े तगड़े काम करे थे, जैसे कि एक वेल बनाना। इससे मेरे को ये फायदा है कि अब मेरे को एक रुपया भी पानी पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को अनलिमिटेड पानी मिलता रहेगा। आज के दिन मैं विंडमिल भी बनाने वाला हूं, अगर हो सके तो, जिससे कि अपनी प्लांट्स में पानी डलता रहेगा अपने आप। और भी शायद उसके कुछ फायदे होते हैं, तुम लोगों ने कमेंट्स में बताए थे। बाकी आज का सबसे बड़ा काम, मैं लाने वाला हूं डेयरी बुल और डेयरी काउ शायद, जिससे अपने को दूध मिलेगा और उसको बेच के अपन पैसे वाले हो जाएंगे। सो लेट्स गो, चलते गेम में। ओके, तो अभी अपन गेम में आ चुके हैं। और भाई ये भी बनवाना है मेरे को नया वाला बान हाउस, मतलब बान जो भी है ये, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची। इससे पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा मेरे को नए बच्चे हो गए थे, मेरे को नहीं बच्चे हुए थे, ये पिगी को नए बच्चे हो गए थे। तो और अभी गोबर किसने करा, एक सेकंड, गोबर कौन सा कर रहा है? अबे तुम इतने बड़े हो गए, अब गोबर करोगे तुम? या फिर तू कर रही है गोबर? नहीं यार, ये नहीं कर सकती गोबर। बकरी गोबर करती है क्या? बकरी तो वो छोटी छोटी गोल गोल बहुत सारी ऐसी ऐसा कुछ तो करती है, मैंने तो ऐसी देखा था भाई। कुछ तो नया सीन हो गया है। रुक जाओ, मेरे को कंपोस्टर लाना है भाई, इसलिए मैं सारा कचरा नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि कंपोस्टर में मैं खाद बना सकता हूँ, जिससे कि मुझे फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे पिछले एपिसोड में मैंने गलती से फर्टिलाइजर खत्म भी कर दिया था। और इसके अंदर ग्रेप्स उग चुके हैं। ओए इधर 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 इधर, इसमें क्या है, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। ये ग्रेप्स निकालियो जरा गाइस। ये मैंने ग्रेप्स रख लिए, इसके अंदर तीन ग्रेप्स आए हैं, और इसको देखना बनता है भाई कितने का बिकेगा। और आज के दिन मैं लोन भी लूंगा, जो मैं इससे पिछले एपिसोड में लेने वाला था लेकिन लिया नहीं। और ये यहाँ किसने पटक रखा है भाई? पेट्रोल वगैरह भी भराना है। इस टाइम मेरे पास 41 रुपीज है, बट अभी कुछ ही देर में बहुत सारा पैसा आने वाला है। और खाना पीना है कि नहीं? रुक जाओ यार, लेकिन मैं जो है डेयरी बुल और डेयरी काउ लाऊंगा कैसे, वो भी तो दिक्कत है। अरे बाहर रह गया मैं। अच्छा खाना यहाँ पे बहुत पड़ा है, यहीं से देख लिया मैंने, क्योंकि उनके लिए चाहिए होती बड़ी वाली गाड़ी। और बड़ी वाली गाड़ी लाऊंगा तो मेरा सारा लोन लिया हुआ सब बेकार हो जाएगा यार। बाकी ये रही अपनी कुइया, इससे पिछली वाली। अभी चलते हैं अपन जर्नल स्टोर और वहां जाके देखते हैं भाई कितने की चीजें हैं, मतलब क्या लेना था। हाँ ये ग्रेप्स देखने थे मेरे को कि ग्रेप्स कितने के बिक रहे हैं। और एक मेरे को भाई रॉकस्टार भी लाना है। रॉकस्टार होता है, रॉकस्टार होता है वो जो भी होता है, वो मुर्गा, मुर्गा मुर्गी नहीं, मुर्गा, एक मुर्गा लाना है, जिससे कि अपने चिकीज आने लग जाएंगे, अपने जो है छोटे चिकन के बच्चे आने लग जाएंगे। ये लेके जाना है, लेकिन 250 अभी है नहीं फिलहाल। बाकी सेल में देखते हैं, ग्रेप्स बिक रहे हैं 20 रुपए के। ओ भाई मजा आ गया, 101 लो ये लो। और बोलो ऐसे पैसा कमा देता हूँ। बाकी मिल्क कैन लेनी है मेरे को एक, वो मैं लेता हूँ। और मेल गोट, मैं फीमेल गोट लेके गया हूँ, 500 रुपए की फीमेल गोट लेके गया था मैं। ओ भाई पैसा था मेरे पास किसी जमाने में बहुत सारा। अभी मुझे मेल गोट लेके जानी है ना, कि मेल ही लेके गया था? नहीं यार फीमेल लेके गया हूँ मैं, पक्की बात है फीमेल लेके गया था मैं। बाकी बीफ काओ, बीफ बुल, बीफ काओ, बीफ बुल, और इसमें क्या अंतर है भाई? इनसे दूध मिलेगा शायद, इनसे इनको काटना पड़ेगा ऐसा कुछ है क्या, वो देखेंगे भाई। अभी मैं चलता हूँ फटाफट से लोन वाले के यहाँ पे, और अभी लेके आते हैं अपन लोन, ठीक है? साथ के साथ अपन वो बड़ा वाला ट्रक भी देख के आएंगे, ये जो सामने जा रहा है ना, इतना बड़ा ट्रक मिलेगा अपने को, तो उसी में अपन ला सकते हैं। वरना तो यार अपन डेयरी बुल वगैरह ला ही नहीं सकते, कैसे कर लाएंगे, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी है। देखते देखते चलो इधर की साइड, चलो इधर जाके, ये तो रहा देखो कार वाले की शॉप है ये, और इसी के बगल में दोनों का धंधा बढ़े इस चक्कर में, इन पीछे ही इनने लगा रखा है ये बैंक। ये देखो राम खोलोगे भाई कि बैंक से लो लोन और ले लो गाड़ी। ला भाई लोन बता। अब मैं लेने वाला हूँ सबसे बड़ा लोन 2500 रुपए का। अरे नहीं भाई, अरे बाकी इसमें इंटरेस्ट रेट कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2500 ले लेते हैं, कुछ दिन में अपन चुका के वापस ले लेंगे। और मुझे पता है भाई मैं चुका दूंगा पैसे, तो 3 2 1 मैं पैसे ले रहा हूँ। और 2600 रुपए हो गए, और अरे अरे नहीं, अरे शिट हो गई। दीदी 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 की शक्ल में नहीं देखेंगे, दीदी से भागो। इससे पहले का लोन भी मैंने लेट कर दिया था इनको देने में, दीदी गुस्सा हो जाती है, लेकिन ठीक है कोई बात, लोन दे देती है, अच्छी दीदी है। हाँ अभी मेरे को ये देखना है 2500 रुपए मिले यार, वो ट्रक कहाँ मिलेगा भाई? 6-7 हजार का वो ट्रक होगा, किधर जाना था? अरे इसकी ऑफिस का गेट इधर, साले पागल है क्या तू? है ऐसी देख देख बाहर और खुलेगा गेट। हाँ भाई इसकी, इसमें गाड़ी देखते हैं, इसमें जो गाड़ी ये वाली नहीं चाहिए, अरे इसमें भी जा सकती है बुल यार, 1600 की है और इसमें जा सकती है, शायद एक जा सकता है बुल, एक बुल और एक का ऐसे जा सकता। और ये हिरन आ रहा है यहाँ पे, अरे असलियत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी मुझे तो वो देखना ये वाला यार, जितने का लोन लिया उतने की तो गाड़ी अकेली, हट नहीं लेना मेरे को, देखी जाएगी बाद में। साले गाड़ी लेने के लिए लोन थोड़ी लिया, पैसा कहाँ से भरूंगा फिर मैं? बाकी यहाँ पे हिरन बताया गया था मेरे को, कहाँ हिरन? साले पागल काट दिया मेरा, यहाँ पे हिरन था कहीं ना कहीं, तो कहीं भी हिरन नहीं है भाई, पागल बना रहे थे लोग। चलो भाई मैं चलता हूँ जनरल स्टोर पे, और जनरल स्टोर से मैं कुछ सामान खरीदूंगा जो पैसा आया इसका। भाई सबसे पहले तो कंपोस्टर खरीदना है, बाकी पैसों का देखते हैं क्या खरीदते हैं क्या नहीं। और गॉड से भी तो मैं मिल्क ले ही सकता हूँ, उसकी भी तो मिल्क होगी, तो एक मिल्क कैन और ले लेंगे। देखते हैं इसको, रखो यहाँ पे, और उसके बाद मैं जाऊंगा इसमें। और भाई ये रहा कंपोस्टर, इसको करते हैं ऐड, ठीक है? ये लेना ही लेना है कुछ भी करके। इस
इसके बाद अपने पास है काउ, अरे यार 600 आ जाएगी भाई, ये आ जाती है आराम से। और एक मेल लेना, ये 2000 रुपए कितनी आराम से आ जाती, एक कैन ले सकते हैं। ठीक है यार, मिल्क मशीन लेनी चाहिए क्या, या फिर मैं नहीं कर सकता मिल्क, ये क्या चक्कर है ये तो बताओ। मिल्किंग मशीन लूं क्या, ये मिल्किंग मशीन काम क्या करेगी यार। 29 हो गए, लेकिन 2900 तो मेरे पे है भी नहीं। एक रॉकस्टर लेना था मेरे को, रुक जाओ इसमें से क्या माइनस करता हूँ मैं बताता हूँ। देखो इसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ, अगर गोट माइनस करूं तो 3। ओके ओके ये ले सकता हूँ मैं यार, लेकिन लेके कैसे जाऊं भाई। एक काम करता हूँ, एक एक करके लेता हूँ और अब तुम देखो मैं कैसे लेके जाऊंगा। ठीक है, डेरी बुल को हटाता हूँ एक बार और ये करता हूँ मैं चेकआउट। और मैंने ले ली है, और मैंने ले ली, और रात हो गई है, शिट हो गई है मेरे साथ। आ गई काऊ, आ गई, रुक जा ये भागे, उससे पहले इसको यहाँ रखो। ठीक है एक, अरे इन सब चीजों को कैसे लेके जाऊं मैं। अच्छा ओए मिल्क मशीन काम आएगी, ये काम भग रही है। ओए रुक जा रुक जा, अरे इसको कैसे रखूं, मना कर दिया। लो एक सेकंड, सारा सामान उतारूं क्या, आ जाएगा क्या। ओए रुक जा, ओए गाय रुक जा तेरी, मैं मार दूंगा मेरे काऊ। अरे काऊ इधर, अरे दीदी जरा इधर आओ, इसमें बैठ जाओ। अरे नहीं बैठ पा रही है दीदी, कर लो, शिट हो गई, शिट हो गई, इधर इधर भाई, इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा। अरे हेलो कर लो बात, अब ऐसे लेके जाऊं इसको मैं, वहां तक ले जाना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी बोलो। अरे भाई जी तो मैंने थोड़ी सी शिट कर ली, लेकिन यार वो कार ले, वो गाड़ी ले देते ना मैं बड़ी वाली, तो क्या मतलब रहता भाई। 2500 रुपए का लोन लिया मैंने, बताओ 2500 रुपए की मैं पूरी की पूरी गाड़ी ले देता, कोई सेंस बनता। तेरी भैंस का लकड़ा भाग गई, ए गाय जा रही है मेरी, सालो टक्कर दिया ना तुम्हारी, बैंड बजा दूंगा मैं भाई, इतनी मुश्किलों से लाया हूँ मैं। अभी इसके लिए मेरे को घर भी बनाना है, घर नहीं बनाया मैंने। आजा 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 जल्दी जल्दी आजा, पहाड़ पे नहीं चढ़ती क्या तू। अरे गाय है एकदम भाई, पिंक पिंक हो रहा है आगे से देख रहे हो तुम, एकदम फॉरनर वाली गाय हो, फॉरनर वाली काओ। आजा आजा जल्दी जल्दी आजा, भगती हो यार ऐसे मत करे, ऐसा लगाया तेरे पे बहुत सारा, 800 रुपए की आई है, तू महंगी वाली है पता है तेरे को। वो बुल तो सस्ता आ रहा था, लौंडा था वो भाई, लौंडों की रेट सस्ती लगा रखी, बताओ हद हो गई भाई। आजा नहीं आजा, जल्दी जल्दी आजा, थोड़ी भाग भाग के आजा। वो ये आ गई भाई, आ गई, मैं पूरी घर तक खींच के ले आया उसे पैदल पैदल। लोग ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, लोग लोडिंग ट्रक मंगवाते हैं, मैं पैदल पैदल ले आया घर। आ गई आ गई आ गई, चल 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 चल, ये बात ऐसे आते रहो बस तेरे को, बस आ गया, बस यहीं से घुसा देंगे, बगल वाले गेट से घुसा देंगे, दिक्कत नहीं है। अंदर जाके खूब खाना खाना, एकदम भर के रख रखा है, साले पिगीज खाते रहते हैं, अब तू खा खाना। बाकी यार वो कंपोस्टर वगैरह कोई चुरा तो नहीं ले जाएगा, ये गाय तो चली जाती खुद से चल के, कंपोस्टर वगैरह नहीं जाएंगे इसलिए उनको मैं छोड़ आया हूँ। आजा तू आजा, अब सामने वाले गेट पे आजा, इधर से घुसाते हैं तेरे को अंदर। आजा डरना नहीं भाई, डरना नहीं, कोई भी डरना नहीं, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, बंद करो गेट बंद करो। ओह भाई मैं ले आया हूँ इसको यहाँ पे, और इस खाना नहीं पड़ा यहाँ बिल्कुल भी। अभी ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है भाई, हटो हट जाओ, इसके अंदर भरो खाना। अगला खाना कहाँ है मेरा, ये रहा, इसको इसके अंदर भरो। पानी है, पानी खूब पड़ा है भाई। चलो अभी मैं जाके सोता हूँ, और कल के दिन मैं लेके आने वाला हूँ बाकी के सामान। और सबसे पहले तो भाई वो कैटल लानी है मेरे को मिल्क वाली, और उससे पता लगाना है कि मैं मतलब इनकी दूध वगैरह निकाल सकता हूँ कि नहीं, या फिर वो मिल्क मशीन लानी पड़ेगी। मैंने खरीद दी है ना, अब क्या दिक्कत है, मिल्क मशीन मैंने खरीद ही दी है तो दिक्कत ही क्या है। 750 रुपए की पड़ी है भाई वो, सिर्फ दूध के नाम पे मैंने 86 रुपीज कट रहे रोज के। ये तो शिट नहीं करती मैंने थोड़ी सी, यार ये बहुत ज्यादा लोन कट रहा है, 86 रुपीज तो अभी कट गए। लो कर लो बात, मेरी गाड़ी भी वहीं रखी, रुक जाओ मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, पक्के चलता हूँ मैं। आ गया भाई, उचकता उचकता जनरल स्टोर आ गया हूँ सुबह 8 बजे, देख रहे हो सुबह 8 बजे आज तक नहीं आया, क्योंकि जैसी लाइटिंग हो रखी है ना पहली बार आया हूं मैं यहाँ पे। और भाई ये देखो अभी ना मेरे को ये कैन लेके जानी, देखो कैन खुल गई थी अपने आप, ठीक है। ओ कैन यहाँ रखनी पड़ेगी, अरे यार ये लेना ही पड़ता। खैर अब तो ले लिया, अब किस किस बात की शीट है, अब तो ले लिया। इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं इसके ऊपर, इसको रखते हैं कंपोस्टर को यहाँ, और इसको रखते हैं यहाँ पे, और इसको रखते हैं ये बगल में, और इसको रखते हैं यहाँ। चलो भाई इसको लेके चलेंगे, उससे पहले मेरे को एक चीज देखनी है, रुक जाओ। क्या मैं वो रॉकस्टर लेके जा सकता हूँ, नहीं यार रॉकस्टर रॉकस्टर छोड़ो, एक तो मैं गोट ये वाला गोट लेके जाऊंगा, ये वाला बुल लेके जाऊंगा, और 650 एक ही चीज ले जा सकता हूँ दोनों में, वो ठीक है मैं बुल लेके जाऊंगा बाद में। तो इसको गाड़ी को घुमाते हैं, ये सारा सामान लेके चलते हैं भाई, मस्त प्रॉफिट हो गया अपना। प्रॉफिट तो क्या भाई, लोन लेके आया हूँ 86 रुपीज रोज के चाहिए मेरे को, कुछ भी करके इतना ही पैसा कमाऊ नहीं कमाऊ, 86 रुपीज तो रोज के चाहिए भाई। देखते हैं भाई बन पाते हैं कि नहीं बन पाते 86 रुपीज रोज के। सबसे पहले तो मैं इसको इधर रखने वाला हूँ, और अब जो है इसको लाओ, इसको खोलो, और इसको बाहर नहीं जाने का है तुमको। हाँ अभी मैं क्या कहते हैं E2 मैनेज, अच्छा मैनेज ही कर सकता हूँ, नहीं निकाल सकता दूध, कांगी काओ कांगी ये निकाओ, इससे निकाल सकता हूँ क्या E2 मैनेज। अरे लो मिल्क मशीन लानी ही थी मेरे को, और ले आया हूँ मैं, क्या बात। और यहाँ पे कौन है भाई, ये उठाओ मिल्क मशीन, इसको खोलो, इसको करो बंद, है ना, इसको करो इधर रखो, ठीक है। और इसके बाद इसको लो, इसको रखना है मुझे यहाँ पे है, और अगर मैं इसको मैनेज करूं कैसे मिल्क आएगा। हेलो अबे मिल्क कैसे आएगा, इधर आ E2 पिकअप। अबे ये दूध कैसे, अरे सिस्टम आधा रह गया ये तो। गाइस क्या कुछ रह गया है इसके अंदर, और कुछ और कुछ लगाना है क्या इसमें। अरे हट जाओ ना भाई, मोटे मोटे ढांडे से हो रखे हो तुम लोग। ये फिर प्रेग्नेंट है भाई, ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है भाई, दो जने प्रेग्नेंट है इस टाइम अपने यहाँ पे। और खाना खत्म, अबे दो खाना खत्म, अरे शिट हो रही है भाई, शिट हो रही है गंदी वाली, और मेरे को आ भी नहीं रहा दूध कैसे निकालते हैं। रुक जाओ, खाना मैंने वापस डाल दिया सारा का सारा, और इसमें दूध नहीं
भरा है, दूध भर दे। कंपोस्टर कहाँ है, कंपोस्टर लाया था ना, रुक जाओ खाद बनाने दो, खाद बनाने दो, इधर आठा इसको डालते अंदर, इसको डालते अंदर, सब कुछ, सारा कचरा दे दो, अब दे दो सारा कचरा, अब सारा कचरा साफ कर दूंगा। कौन खाना खा रहा है, अरे मोटे, अरे मैनेज नहीं करना है, हट जाने, लाओ लाओ तुम सबकी दे दो इधर, पूरा भर दूंगा डब्बा मैं यहाँ पे। और एक घेर, और कहाँ है, अरे हटोगे तो दिखेगा, पूरी जगह घेर रहा। चलो भाई सारा कचरा साफ कर दिया मैंने, अभी इसने फिर करा के, और भाई इसमें दूध कैसे आएगा, अरे शिट है गई है तो मेरे साथ। इसको रखो बाहर कंपोस्टर को, चलो इसको, अरे बंद कर। अब इसमें क्या है, क्या डालना पड़ेगा इसमें, अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। इसको डाल, यूज कैसे करेंगे फिर, E2 फर्टिलाइज, अच्छा ऐसी बात है, ये कर दिया मैंने, नहीं हो रहा, लेकिन वो क्यों नहीं रहा, अच्छा इतना होगा ही नहीं उसमें फर्टिलाइजर, इसलिए नहीं हो रहा शायद। मैं पानी भर के लाता हूँ, रुक जाओ, पानी को इसमें डालो और इसको खींचो, पानी भरा नहीं इसमें, चलो भाई पानी आ गया है, अभी इसके अंदर पानी डालो, इसमें डालना है और किसमें डालना है, इसमें डालना है और इसमें डालना है, एक इसमें और डालना है, अरे इसमें डालना है भाई, चलो इसको यहाँ रखो। उसके बाद अब ये रहा मेरा फर्टिलाइजर, 30 हो गया है, इसको अब डाल के देख, डल नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों नहीं डल रहा है, छोड़ो। और तो ज्यादा कुछ मैं लाया नहीं था, अब मुझे ये देखना है भाई ये दूध कैसे मिलेगा, रुक जाओ दूध मिल ही तो नहीं रहा है। ओके गाइस, तो अभी पूरे 5 मिनट का ट्यूटोरियल 2 मिनट में देख के ये पता पड़ा है कि इसमें मशीन में कुछ तो होता है जिससे इसका, ओके ये रहा गाइस, इसको फिट करने का है मेरे को। अबे ये क्यों मरा भाई, पानी पूरा है, खाना पूरा, एक सेकेंड, अबे यार ये मरा, अरे यार शिट, ये मरने क्यों लग रहे मुझे नहीं पता है, ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वाला तो नहीं मरा ना भाई कोई, ये भी नहीं मरा, ओ शिट प्रेग्नेंट वाला मर गया, प्रेग्नेंट वाला ही मर गया है वो, या तो ये प्रेग्नेंट होगा लास्ट, शिट गाइस शिट, एक बंदा प्रेग्नेंट वाला ही मर गया, लो कर लो बात, वो प्रेग्नेंट था, एक ये बड़ी वाली जो पुरानी प्रेग्नेंट हुई थी वो ही बच गया, और ये जो ये प्रेग्नेंट था भाई, ये जो मरा है, और ये कैसे मरा है, क्यों मरा है, किसने मारा भाई, क्या बकरियों और इनमें लड़ाई हो जाती है क्या यार, मुझे 2 बान हाउस बनानी पड़ेंगे, 2 बांस वगैरह बनाने पड़ेंगे, या फिर इसके बगल में फेंसिंग कर दूं, तब भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर लड़ेंगे तो मरेंगे ही सही। ये तो गाइस मैंने शिट कर ली, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसका दूध निकालता हूं, और दूध निकालना है ऐसे। बाकी एक और चीज है कि मैं दूध, अबे क्या कर रहा है, आवाज कैसी कर रहा है, हट जा रे, वो आ रहा है, 14 भर गया ये, ठीक है। मैं इस काऊ को क्या कहते हैं, बकेट में भी ले सकता था, मतलब इसके नीचे बकेट लगा के भी इसको मैं दूध निकाल सकता था, और इतनी भीड़ क्यों कर रखी, सालो पागल हो क्या थोड़े से, लेकिन उसमें कम दूध आता है, ठीक है। अब इसको लेना है मेरे को, और इसको क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ, E2 इंस्टॉल करते हैं भाई, अच्छा, अरे गाय के में गाय का रख सकते हैं, और अरे ये तो एक साथ मिक्स हो जाता, मैं एक ही में निकालने लग रहा हूँ, देख बुद्धि बहुत है मेरे में, ऐसी नहीं। अब इसको लो, दूध को लो, क्यों कर रही है, कू, इसको खोलो, इसको करो बंद, दूध करो यहाँ पे, ठीक है। और भाई इससे मैं ना चीज वगैरह और सब भी बना सकता हूँ, इसको अभी खुला ही रहता है क्या ये, इसका ढक्कन बंद करो ना भाई। बाकी इसके अंदर अभी मेरे कुछ टमेटोज वगैरह उग गए, ये निकाल लाता हूँ मैं, इसके अंदर कूलर जो है, कूलर लो, और कूलर को डालो इसमें, ये भी डालो इसके अंदर, और कुछ उगाए क्या, ओ ग्रेप सूख गए, इतने सारे ग्रेप सूख गए, देख रहे हो, ये भी निकालो, चलो भाई काम हो गया। इसके अंदर क्या क्या है देखो, 8 टमेटोज है और 9 ग्रेप्स है, बाकी सब में पानी डाला हुआ है। फर्टिलाइजर डालना है जो कि इसमें रखा था, पता नहीं क्यों काम में नहीं आ रहा है। E2 फर्टिलाइजर, ओ हो गया, हो रहा है, अरे 2 ही भर पाया लेकिन फर्टिलाइजर है, 2 ही फर्टिलाइज कर पाया ये, रुक जाओ यार मेरे को फर्टिलाइजर भी लाना ही पड़ेगा। बाकी मुर्गियों को नहीं देखा मैंने बहुत टाइम से, शिट हो गई, खाना भी लाना है बहुत सारा, ये भी शिट हो गई, जल्दी चलो, मर गई होंगी मेरी मुर्गियां, मर गई सारी मुर्गियां, मर गई, एक तो इतनी दूर रहती है मुर्गियां इसी चक्कर, और ये बाहर क्यों रहती है मुझे नहीं पता, अंदर रहे। 4 मुर्गी कैसे हुई, 3 ही थी ना मेरे पास, तो ये भी ठीक है भाई, 4 कैसे हुई, अच्छा एक मैं ले आया था इससे पहले, और इन्हें 4 अंडे दे रखे हैं, और खाना पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है। चलो मैं फटाफट से पैसा कमा के लाता हूँ भाई थोड़ा बहुत, और खाना लेके आता हूँ। बुल लाने की शायद मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, बुल लाने से बच्चे हो जाएंगे काउस के, लेकिन अभी मैं ना उसी में काम चला लूंगा, दूध में काम चला लूंगा भाई। इसे उतारो, और सबसे पहले तो दूध लेके आओ, ये दूध उठाओ। एक और कैन लानी पड़ेगी मेरे को बकरी के लिए अलग, और इसको रखना है सबसे पहले इधर, वो निकालो, इसको रखो यहाँ पे, इसमें एक थोड़ी है, इसको खोलो, इसको यहाँ रख रहने देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको साइड में लगा देता हूँ मैं, अच्छा इसमें पेट्रोल नहीं तो लगा भी नहीं सकते, ये भी इसको रखते हैं यहाँ, इसको रखते हैं अभी के लिए यहाँ, इसमें अंडे भर के लेके जाएंगे, और इसको बेच के आना है तो इसमें इसको रखते हैं यहाँ पे, और मेरे पास मीट पड़ा है थोड़ा बहुत, इस मीट को उठाओ, अबे क्या चल गया, अच्छा रेडियो ऑन कर दिया था भाई मैंने, इसको खोलो, अब एक एक चीज को उठाओ और रखो, बाहर रखो, हटो यहाँ से, बाहर आने की जरूरत नहीं तुम लोगों को, यहाँ रखो, बंद कर, बंद कर, साले आ गया बाहर, आ गया, दिखा दी होशियारी अपनी, इतनी बुद्धि थी ना तेरे में, आ जाओ सब बाहर आ जाओ सालो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बंद करो, अरे बंद करना था भाई, अरे नहीं, शिट कर दी, बहुत गंदी वाली शिट कर दी, अब नहीं हो रहे मुझसे मैनेज, अरे यार।
अभी क्या करूं, सारे पिगीज गए अब तो मेरे, घूम रहे भाई। अंदर अंदर बंद कर, हट, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। कहां गए वाले, पागल है तू? इधर इधर आ, अरे मत जाना भाई, मत जा। कहां जा रहा है? खाना देता हूं तुमको, कोई नहीं देगा खाना इधर। अरे हराम के पिल्लों, जल्दी आओ इधर। भग गए सारे, भग गए मेरे दोस्त बंधु। बंद करो, बोलो तो बंद करो। चलो अभी इधर की साइड थे दो चार, कहां ये घूम रहे हराम के पिल्ले, ये घूम रहे। इधर इधर आ जा चुपचाप। और कहां भाई, दो चार तो कम हुए होंगे पक्की बात है, इधर उधर भग गए होंगे दो चार। अंदर अंदर आ, अरे अंदर ही नहीं आएगा क्या यहाँ से? अरे ये भी ठीक है, चलो उधर से। एक तो इतने मोटे सांड हो रखे हैं खा खा के, आते भी तो नहीं है। चल भाई चल अंदर से, हट। अरे हट जा। बकरी कहां है मेरी? ओ यही आवाज आई है, बकरी यही है। इसको खोलो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। अब दूसरा कहां है? और कोई दिख रहा है क्या गाइस तुम लोगों को? एक ये रहा, ठीक है, और शायद नहीं है कोई और, सबको मैं ले गया अंदर। इधर आ भाई। और यार उस एक पिगी को पता नहीं क्या हुआ था, वो मर गया वो पिगी, और वो भी पिगाइन थी, पिगाइन लड़की थी। अरे तेरी साले पागल है क्या? मर जाओगे तुम, बाहर रहोगे तो प्रीडेटर्स आके मार देंगे तुम्हें। अंदर अंदर आ जा, बंद करो। अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे अलग बीमारी है यार इसको, यार क्या करना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है। अंदर आए ना भाई, वो आ ही नहीं रहा है अंदर। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो इसको रखता हूँ, इसको उठाओ, इसको इसको रखो, ठीक है, इसको उठाओ, इसको रखो, इसको उठाओ, इसको रखो, ठीक है। और भाई मेरे जहां तक दिन में दो बार अपन दूध निकाल सकते हैं गाय का, इतना मेरे को पता पड़ा है। और तू अंदर आ रहा है कि मत आ, तू साले अंदर मत आ, तेरे को मारना पड़ेगा, बाहर ही मारना पड़ेगा। जा राम आदमी, रुक जाओ भाई, क्या दिक्कत है तेरे को, क्या दिक्कत? अंदर बंद कर, इसको खोल, हट जा यहाँ से, हट जा, ठीक है। अभी उसके मेरे को ये कैन लेनी है, ठीक है, इसको बंद करो, कैन को लगाओ इसके अंदर, और इसके अंदर जो ये मशीन थी इसको लो और इसमें इंस्टॉल करो। वापस दूध आ रहा है क्या? अबे वापस दूध क्यों नहीं आ रहा? दिन में दो बार ले सकते हैं ना दूध। यार जल्दी निकाल रहा हूँ मैं, रुक जाओ, छोड़ो, हटाओ। इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये दूध बेच के आता हूँ। खाना लाना है भाई इन लोगों के लिए, बहुत सारा खाना लाना है, ठीक है। और पैसा है मेरे पास इतना, लेकिन अब इसको बेचने भी तो जाना पड़ेगा। रुक जाओ भाई, जैसा का जैसा जमाता हूँ मैं, और जितना आ सकता है ये मीट उतना मीट जमा देता हूँ मैं पूरा का पूरा। चार पीस भी पूरे नहीं आ रहे भाई, बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी मेरे को। अरे इसके अंदर डाल सकता हूँ ना, इधर आ भाई, ये किस काम का है? पागलपंतिया कर रहा हूँ इतनी देर से मैं, कूलर में आ सकती है सब चीजें। ओके ये नहीं आ रही है, दो चीज नहीं आ रही, इतना तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। चलो इसको रखो यहाँ, इसको उठाओ, इसको रखो इसके ऊपर, ठीक है, इसको उठाओ, इसको रखो इसके ऊपर। अभी चलता हूँ मुर्गियों के पास, और मुर्गियों से वो चारों अंडे लेके आता हूँ, जहां तक मेरे को भाई 100-200 रुपए इन सब चीजों से मिल ही जाएंगे। इसको उठा, इसको रख अंदर, अरे तू हटनी है, इसको उठाओ अंदर रखो, इसको उठाओ, इसको अंदर रखो, इसको उठाओ अंदर रखो, और यहाँ पे दो अंडे पड़े हैं, इसको उठाओ अंदर रखो, और इसको उठाओ, इसको अंदर रखो, और इसके बाद यहाँ पे पड़ा एक, इसको उठाओ, इसको अंदर रखो। भाई ले लिए सारे अंडे मैंने, अच्छा एक और अंडा पड़ा भाई अंदर, इसको उठाओ, इसके अंदर रखो। 8 अंडे हो गए, चलो डन। अभी चलता हूँ फटाफट से जनरल स्टोर, और इन सबको बेच के आता हूँ। बाकी फ्रूट्स वगैरह और किसी के उगे नहीं है। बहुत सारे ग्रेप्स लेके जा रहा हूँ इस बार, 20-20 रुपए के ग्रेप्स भी बहुत बिकने वाले हैं। और ये मैं आ गया जनरल स्टोर भाई, पूरी बाटली भर के लाया हूँ, अपनी पूरी गाड़ी की बाटली, देख रहे हो तुम। और यार पेट्रोल भराने भी जाना है मेरे को अभी। इसको खोलो दरवाजे को। और मैडम क्या हाल है आपके? सेल करते हैं सामान को। और मेरे पास टोटल 738 रुपीज आ रहे हैं। काई के भाई ये, रुक जाओ, मिल्क कितने का बिक रहा है? 42 रुपीज का मिल्क बिक रहा है भाई, क्या बात है। बाकी टोमेटोज है, ग्रेप्स है जो 180 की बिक रहे हैं, और ये 210 की पोक बिक रहे हैं भाई। बाकी एग है 68 के। सेल करते हैं सब कुछ और अब चलते भाई में भाई। और अब ये देखो मैं ये खरीद सकता हूँ, इससे क्या है चीज बन जाएगा शायद, इससे मॉइल्ड चीज, व्हाइट मॉइल्ड, इससे ब्लू मॉइल्ड, अच्छा और व्हाइट मोल्ड चीज, ये सब चीज बनाने के काम आएगी। लेकिन ये चीज बनेंगे कैसे? रुको एक चीज ये है देखो, ईयर टैग्स भी लगा सकते हैं अपन काउज में, वो अभी किसी काम के नहीं है। और ये रहा भाई फूड प्रोडक्शन का सामान, इसके अंदर ही आ रहा है ये, बट ये तीनों डायरेक्ट डाल देंगे क्या अपन, या फिर कुछ लेना पड़ेगा? रुक जाओ एक खरीदूं क्या, 125 वाला खरीद लेता हूँ। आवाज किसकी आई है? आवाज किसकी आई है? किसी की चलने की आवाज आई मेरे को यहाँ, क्या पता भाई क्या हो रहा है। ये करता हूँ चेकआउट, रुक जाओ पहले बाय में चलता हूँ, ऑल में चलता हूँ, और मेरे को थोड़ा बहुत खाना चाहिए बहुत सारा, तो खाना ले लेता हूँ मैं। 6 आइटम ले लिए शायद मैंने, 5 खाना ले लिया, चेकआउट करते हैं, ठीक है। और ये रहा भाई फैला पड़ा है खाना, अब इसको कैसे यूज करना है ये देखना है मेरे को, ये पता भी तो नहीं है कैसे यूज करना है। छोड़ो खाना लेके चलते हैं अपन। और भाई अब बड़ी गाड़ी लेनी है, और देख रहे हो तुम 700 रुपए कमाए एक साथ मैंने, अब ऐसी रुपए कमाऊंगा बस तुम देखते जाओ। इसको रखते हैं यहाँ पे, और एक बोरी और आ जाएगी शायद जहां तक मुझे उम्मीद है, इसको रख देते हैं यहाँ, ठीक है। कितनी बच गई? एक ही बची है यार, रख लो ना इसको भी, एडजस्ट कर लो कहीं। ओ आ गई भाई आ गई। चलो लेट्स गो गाइस, चलते फटाफट से, और ये सारी बोरी भाई उनके अंदर खाने को डालते हैं। खाना इतना खाने लग गए लोग, लो भाई खाना खाओ तुम, और इतना फॉग क्यों हो गया है? अरे फिर से सर्दी आ गई, लाओ खाना दो, खाना दो, जल्दी जल्दी खाना दो भाई। अब कोई मरना मत यार, एक प्रेग्नेंट वाला पिगी मर गया, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, जीवन का सारा दुख हो गया। प्रेग्नेंट वाला नहीं मरना चाहिए था, कोई सही मरना हो। बाकी तुमने फिर कर दी ये छोटी छोटी पोटी, अरे हट जाओ ने यार। एक तो भाई ये सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा भर गया। मैं कर रहा हूँ फेंस का काम, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूँ फेंस का काम, इधर दूसरा बान हाउस गया बाड़ में। अरे तू साले पागल है क्या? थोड़ा सा तेरे को बोला किसी ने निकलने? भाई रुको देखो, इसको करेंगे अपन चुक, ठीक है। ये गया पूरा, घट गया। अब देखो इसके चारों तरफ लगने वाली
लगेंगे फेंसेस, और वो कैसे लगेंगी? फेंस है कहाँ भाई? ये वुडन फेंस है, वुडन फेंस गेट है, इसमें चार प्लैंक आएंगे और ये लगेगी कैसे बताओ मेरे को? इसको ना मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रंट फ्रंट में बनाए सिर्फ, फ्रंट फ्रंट में ऐसे यार नहीं, गेट्स के चारों तरफ बनाते क्योंकि ये गेट से निकलना चालू हो जाती है सारी चीजें। इसको रखते हैं एक को यहाँ, ठीक है, और एक को रखते हैं उसके बाद यहाँ पे। सही जुड़ा क्या? ये जुड़ तो गए भाई, अब बस इनमें से निकले नहीं वो। अगला रखते हैं यहाँ पे, उसके अगला रखते हैं यहाँ, उसके अगला रखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट उसका यहाँ पे। देखो भाई ये सही लग रही है क्या सारी फेंसेस? कोई दिक्कत तो मुझे ज्यादा लग नहीं रही, आड़ी टेढ़ी भी नहीं लगी हुई है ये फेंसेस। चलो उधर की साइड से भी सेम करते हैं। और ये बोला था मैंने कोई सा पिगी तो रह गया होगा, अभी देखना क्या कर रहा है। इधर आ छोटू, छोटू बदमाश ले लूं अब तेरे को अंदर? अगली शहर तू ने, इधर अंदर आ जा। चलो खाना खा ले चुपचाप है, अभी बाहर जाने को हो रहा है घटिया आदमी। धोखा कौन? यहाँ पे लगाओ इसको, उसके बाद इसको लगाओ यहाँ पे, उसके बाद इसको लगाओ यहाँ, उसके बाद इसको लगाओ यहाँ। सही लग रहा है कि? अबे नहीं टेढ़ा लग गया। अरे कर लो बात, फेंस लगा यहाँ पे ऐसे, समझ में आ रही है? इसके बाद यहाँ पे लगा। अरे अब तो अपने आप जुड़े जा रही है ये, पहले तो नहीं जुड़ रही थी, देखना अब जुड़ रही है अपने आप। अरे लेकिन रात हो गई, हट जाओ, कल लगाऊंगा भाई, हट जा, सब हटाओ। अब जुड़ रही है भाई, पहले नहीं जुड़ रहा था अपने आप। पहले जाऊंगा मैं सोने, हट जाओ, रात हो जाती है बहुत भयंकर। चलो भाई आज के भी 86 रुपीस कट चुके हैं, लेकिन मैंने कल के दिन 730 रुपीस कमाए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है भाई कटने में, ये वाले पैसे कट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लो भाई मुर्गियों तुम्हारा खाना ले आया हूं मैं, तुम भी खाना खाओ भर भर के। ओहो खाना खत्म कर दिया, लौंडे गजब है मेरे। चलो भाई खाना भर दिया इनका मैंने, अभी चलते हैं फटाफट से यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा था, इनकी फेंस लगा रहा था, फेंस वाला काम करते हैं। और इसको करो पीछे, और इन सबको फेंक सकते हैं क्या? इनका करूं तो मैं करूं क्या? देखना कोई काम की नहीं है, इन्हें डिस्पोज कर सकते हैं क्या? रुको इससे कुछ होगा? इससे कुछ नहीं हो रहा, फटो। बाकी इसमें किस चीज की जरूरत है भाई? सबको पानी की जरूरत है, और मेरे को ना विंड मिल बनवाना है यार। एक विंड मिल के लिए पैसा चाहिए यार। दूसरी बकेट भी यहाँ ले आता हूँ, एक बकेट तो अंदर गई हुई है। इसको निकालो फटाफट से, इसको लो, इसको रखो यहाँ पे, इसको लो, इसको लगाओ, इसको निकालो और लाओ भाई पानी लगाए सब में। पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी 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 हो गई। लाओ भाई दूसरी बकेट दो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी पानी ले लो, पानी ले लो, पानी। अरे फिर पानी कम पड़ गया, लो ये वापस से पानी आ गया। इसको डालो, इसमें डालो, इसको निकालो। चलो भाई अभी किसमें डालने का था पानी? इसमें डालो पानी, इसमें डालो पानी। और किसी में जरूरत है क्या पानी की? अब फर्टिलाइजर की जरूरत है ना, बस अभी लेके आता हूँ फर्टिलाइजर। उससे पहले मेरे को थोड़ा सा फेंस का काम करना है, क्योंकि ना बहुत ही माता खा रही है मेरी लोग बाग। इसको लगाओ यहाँ पे एकदम सीधा, ठीक है, उसके बाद लगेगा ये। अरे नहीं यार ये टेढ़ा लग रहा है ना, दिक्कत ये है। रुक जाओ ये सीधा कैसे लगेगा? यहाँ पे लग गया ये सीधा, यहाँ पे लग गया ये सीधा, ठीक है। इसके बाद इसको टेढ़ा नहीं ऐसे लगाना है। अरे क्यों चिपक रहा है भाई? अरे इसको यहाँ लगाते हैं, निकलना नहीं चाहिए जहां तक मेरे को उम्मीद है। ये लो अभी अभी सही लग रहा है ना, अभी हुई ना बात। अरे यार यहाँ से तो दिक्कत हो गई है, यहाँ पे तो अपन ने रेडी लगा रखी है, अब यहाँ पे तो अपन ने फार्मिंग का लगा रखा, आप कैसे करें? अरे नहीं शिट हो गई वापस से गाई, थोड़ी थोड़ी शिट हो जाती है हर बारी। कोई बात नहीं उसको देखेंगे बाद में, पहले नॉर्मली फेंस लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और वहां से भी लेके आना है। बस इनका थोड़ा खुला हुआ एरिया हो जाए ये चाहिए मेरे को, ठीक है। अभी आड़ा टेढ़ा फेंस लगा रहा हूँ, बाद में लगा दूंगा मैं सही। ये यहाँ पे हो जाएगा बंद, रुक जाओ, यहाँ पे मेरे को गेट लगाना चाहिए है ना, ये लग गया गेट, और यहाँ पे लगानी पड़ेगी मेरे को ये वापस से। रुक जाओ अबे ऐसे लगा, निकल तो नहीं पाएंगे? अरे निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे, मेरे को अच्छे से पता है सब निकल जाएंगे, मैंने अच्छे से लगाया ही नहीं है कुछ। लगा देता हूँ, अब कोई निकल पाएगा क्या? अरे मैंने क्या करा, ये क्या कचरा बनाया मैंने, क्या कचरा बनाया देखना भाई। छोड़ो भाई इसको बाद में करेंगे, मेरे को सामान लाने दो पहले, चीजें आधी अधूरी है मेरे पास प्लैंक है ही नहीं, फालतू में बनाया जा रहा हूँ मैं, ये फुर्सत से बनाऊंगा ये, अभी मेरे को बहुत काम है। देखो अभी इसको रखना है सबसे पहले तो यहाँ, इसको रखने की जगह ये ग्रेप्स निकाल लेता हूँ मैं, ग्रेप्स क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी होगा इसके अंदर क्या उगता है इसमें। चलो भैया उठा दिया, अभी सब बढ़िया हो गए हैं और ग्रेप्स उगने वाले हैं अब सब में, क्योंकि टोमेटो वाले प्लांट्स मर गए धीरे धीरे करके। बाकी इसको बाहर उतारो और इसको बाहर रखो, इसको लेके चलते हैं अंदर और दूध निकलवाते हैं भाई उस गाय का। कल अगला दिन हो गया, अब तो दे देगी गाय दूध, और ये दे देगी बकरी कितना दूध देती है देखते हैं। इंस्टॉल करते हैं इसमें, और ये बकरी का दूध भर रहा है, 5 आया है यार, शिट गलत निकाल लिया मैंने इसका दूध, अब इसको बेच के आना पड़ेगा मेरे को, इससे ज्यादा दूध आया भी नहीं है। इसको रखते हैं, अब ये देखते हैं इस चीज का क्या करें, इसमें डाल दूं? नहीं डाल सकता, छोड़ो। इस कैन को लेके चलते हैं और एक और कैन लेके आएंगे, क्योंकि 2 कैन चाहिए मेरे को, एक गाय के दूध के लिए और एक बकरी के दूध के लिए। तो 2 कैन ले लेंगे और पेट्रोल भरा के आएंगे आज ही। और ये लो मौसम हो गया खराब, मौसम हो रहा बहुत भयंकर। चलो सेल में चलो, और गोट मिल्क सस्ता बिक रहा है शायद, हाँ सेल करते हैं इसको। बाय में चलते हैं, मेरे पास इस टाइम 1100 रुपए हैं, जिसमें मैं एक रॉकस्टर लेने वाला हूँ, ठीक है, और एक मिल्क कैन लेने वाला हूँ। इसके बाद यह है इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर, ठीक है, यह है मैनुअल स्विच स्टफर, ये क्या काम आता है भाई? मैनुअल मीट ग्राइंडर है, ये इलेक्ट्रिक सॉसेज स्टफर है, रुक जाओ भाई कुछ तो काम आते होंगे, ये अभी मेरे कोई काम का है नहीं। फिलहाल मुझे फर्टिलाइजर लेना है एक, और एक
बुल लेनी है जो कि मैं लूं अभी कि नहीं लूं। रुक जाओ, इसे करो चेकआउट और इसे मैं जमा के आता हूँ पहले तो अपनी गाड़ी पे। रुक जाओ रॉकस्टार, इधर आइयो तू। अरे बच्चे करके दे दियो, ठीक है समझ में आ रही है। इस बार बच्चे चाहिए मेरे को बहुत सारे। तू यहाँ बैठ, ठीक है शांति से। एक फर्टिलाइजर और रखने दे मेरे को, फर्टिलाइजर रखो यहाँ पे। एक कैन और आइए, इस कैन को रखो यहाँ पे। अरे चलो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक बुल ले लेता हूँ और बुल को पैदल पैदल लेके जाना पड़ेगा वैसे भी मेरे को, क्यों ना बुल पैदल पैदल ले जाई जाए। ये रहा बुल, ठीक है। अच्छा काओ सस्ती थी इस बार, बुल महंगी है, 800 रुपए तो है ही नहीं। तो शिट है गई, तो शिट पे गई भैया, क्या करें बताओ, ये बात है ही। रुक जाओ अभी लेके आता हूँ, सारे रुपए ले आऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। रुक जाओ इस गाड़ी को लेके चलते हैं। यार गाय का दूध लेके आना चाहिए ना, गाय का दूध लाते ना तो इतना तो पैसा अपन रिकवर कर जाते पूरा का पूरा, क्योंकि गाय के दूध से बहुत पैसा मिलता है। 14 दूध और देती है एक साथ, मतलब 14 लीटर। चलो भैया आ गए अपन अंदर, इसको उतारो यहाँ। मुर्गी तू बाद में आइयो, पहले इधर दे। और ना भाई एक सेकंड, यहाँ भीड़ भड़का बहुत है, फेंस कर ले दो, बस एक बार फेंस की जरूरत है। फेंस होने के बाद ना बाहर निकालूंगा इनका दूध, इसको बीच में रखता हूँ मशीन को। और इसको लो इसमें रखो, ठीक है। और इसका वो कहाँ है तार, वायर, वायर इसको डालो इसमें। चलो दूध आना चालू हो गया है, ठीक है। अभी ग्रेप्स भी उग गए बहुत सारे, ग्रेप्स भी निकाल लेता हूँ मैं। लाओ भाई ग्रेप्स दे दो, ठीक है। और इधर की साइड टोमेटो उग गए हैं, टोमेटो दे दो। और वो पेड़ भी टूट गया है, इसको उठा देते हैं पेड़ को, ठीक है। और कौन से पेड़ में कुछ उगा है, कुछ नहीं उगा। हमें फर्टिलाइजर लाया था ना भाई, फर्टिलाइजर देना मेरे को एक्स्ट्रा। सब में फर्टिलाइजर डालने दो पहले मेरे को, फर्टिलाइजर 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 फर्टिलाइजर। हाँ डाल सकता हूँ मैं फर्टिलाइजर। अभी मैं इसको डालूंगा इसके अंदर, ईगड़म बिगड़म बीमडम। फिर मैं फर्टिलाइजर को निकाल लूंगा, फिर इसमें फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर। अरे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर। भाई बहुत भयंकर बिजली कड़क रही है, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों। इगड़म बिगड़म, अरे इगड़म बिगड़म। चलो भाई सब में फर्टिलाइजर डाल दिया है मैंने, पानी भी डाला हुआ है सबके अंदर। ग्रोथ हो रही है बहुत भयंकर और बारिश हो रही है बहुत भयंकर। भाई खाना ले लेता हूँ मैं तो, अंदर जाके बैठूंगा, अंदर छुप रहा हूँ मैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसको निकालो, इसमें डालो, इसको उठाओ और यहाँ। अबे आसमान में पोटी कर रखा, अरे शिट लोग गाइस शिट लोग। मुर्गी डर तो नहीं लग रहा है ना, यही रहियो, कोई कुछ कुछ नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है तो क्या ही बात। अरे भाई कुछ ज्यादा तेज बिजली कड़क रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, इतनी तेज तो आज तक नहीं कड़क। लो मेरे को वो लेके आने दो, खाए कंपोस्टर, खाए मेरा कंपोस्टर उठाओ, ठीक है। और कंपोस्टर को लो और ये सब भरो भाई। ई टू पुटिन हट जाओ, ई टू पुटिन। अरे अरे हटो रे हटो, कचरा साफ करने दो, इतना कचरा फैलाते हो तुम लोग, एक गर्म नहीं है बिल्कुल भी। चलो भाई सारा गोबर भर लिया मैंने इन लोगों का, ठीक है। अब मेरे फर्टिलाइजर के काम आ जाएगा वो। और भाई कितने सारे पिगीज हो गए, इतने मोटे मोटे ठंडे ठंडे से, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। हट जाओ हट जाओ, इसको रख देता हूँ बाहर वापस से। और अपने कुछ ग्रेप्स वापस से उग गए, इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, और 12 ग्रेप्स हो गए, 20 रुपए का एक बिकता है, मजा आ जाएगा भाई। अब क्या चाहिए तुम लोगों को, पानी चाहिए क्या? पानी मैं दे दूंगा, अभी पानी है ना तुम्हारे अंदर, जितना पानी है उतने का उगा लो तुम। अरे बस कर जा बस कर जा भाई, ये बंद नहीं होगी क्या? तो कानों में इरिटेशन हो गई भाई। पिगीज में तुम्हारे साथ रहने आ गया हूँ, अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और मेरे को ये बताओ भाई, वो उसने बोला था गेम में जिसमें, अरे भाई भयंकर इरिटेशन हो गई। इसको लगाओ इसमें, वापस नहीं देगी क्या दूध? वापस तो दे ही नहीं रही यार, दिन में उसने 2 बार की बात करी थी मेरे से। आओ कैन दो मेरे को, इसको करो बंद और इसको रखो यहाँ पे, ठीक है। दूसरी कैन उठा लेता हूँ मैं और दूसरी कैन को मैं रख देता हूँ अंदर, ठीक है। फिर बाहर आ गया तू, अरे छोटू दादा, पागल से दादा है छोटू। चलो भाई इस मुर्गी को मैं उतार के आता हूँ, मुर्गे को उन मुर्गियों के पास, जिससे इनका काम धंधा चलता रहे बढ़ता रहे, ठीक है। तुमको भी मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा भाई उधर की साइड, और तुम अंदर सो रहे हो क्या? लो सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कहाँ जा रहा है साले पागल है क्या? अंदर जा, बारिश हो रही है बहुत भयंकर। ये लो कुकड़ुक हो गया बहुत जोर से। अभी भाई अभी मेरे को ये दूध तो ले लिया मैंने, मुझे कुछ और देखना था। मेरे को क्या देखना था? मुझे फेंसेस खरीद के लानी चाहिए कि फेंसेस मुझे बनानी चाहिए, मतलब फेंसेस कह रहा हूँ मैं, लॉग्स, वुडन लॉग्स। भाई 2 रुपए का एक मिलता है या 2 रुपए के कितने मिलते हैं वो मुझे देखना है। मैं रख लेता हूँ अपने पास ग्रेप्स, ठीक है। इन सबको बेचूंगा और मैं जाऊंगा डायरेक्ट हार्डवेयर के स्टोर पे। मेटल लाना है मेरे को बहुत सारा, और मुझे वुड लाना है बहुत सारा, जिससे कि क्या होगा, एक तो विंड मिल बन जाएगा और फेंसेस बन जाएंगे। विंड मिल और फेंस बनाना भी मेरी मेन जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको पेड़ों को पानी डाल डाल के है ना परेशान हो गया मैं। अभी अपने आप पानी ले लेंगे तो बहुत सही रहेगा। चलो तो अभी मेरे को क्या खरीदने का था, नहीं पहले सेल करने का था। सेल में 330 रुपए के आइटम जा रहे हैं और मेरे पास बचा है 900 रुपए। तो क्या मुझे डेरी बुल खरीद देनी चाहिए? रुक जाओ पहले मैं जा रहा हूँ हार्डवेयर की स्टोर पे और इन चीजों को ढंग से जमाऊं। यार बड़ी गाड़ी लेने जैसा पैसा आ जाए किसी दिन, मजा आ। चलो भाई ये रहा हार्डवेयर स्टोर। अरे कहाँ जा रही गाड़ी, रुक जा मेरी। ओए हार्डवेयर स्टोर छोड़ो, सबसे पहले मुझे पेट्रोल पंप जाना। शिट शिट नहीं, गैस स्टेशन चलो भाई, सीधे सीधे गैस स्टेशन चल लो, ठीक है। एक सेकंड रुकियो रुकियो रुकियो। अरे गाड़ी से नहीं ठोक सकते थे, इसको गाड़ी से ठोक सकते हैं क्या? भैंस की आंख, रुक साले। अरे लोड ही नहीं है, लो बात। हां भाग गया पागल है क्या तू? थोड़ा सा मर गया भाई, ले नहीं रहा हूं बस
मार के जा रहा हूँ, ठीक है, किसी दिन मिलेगा तो भर लूंगा, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन चीजों के लिए नहीं रोता है, ऐसे मैं छोटे मोटा आदमी नहीं हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ। घुमाओ गाड़ी और चलो गैस स्टेशन चलेंगे, पेट्रोल की टंकी कराएंगे फुल, ऐसे थोड़ी है, लंबी सवारी है अपन। चलो भाई हट जा साले, ओए 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 तेरी साले गया, अरे कुछ नहीं हो रहा, कद्दू नहीं उखड़ा। किसने मुझे आइडिया दिया था ये घटिया सा, एक गाड़ी से ठोकना, बंदूक मत चलाना, ओके मार दिया। अरे कद्दू कद्दू से लोग होते हैं, बताओ भाई वीडियो देख के ये प्लान देते हैं कि गाड़ी गाड़ी से उड़ा दो, गाड़ी से फर्क नहीं पड़ा, हिला नहीं वो थोड़ा सा भी, गाड़ी से उड़ाने चले। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी चलो फटाफट से चलो, पेट्रोल भराने का है मेरे को। आ गया भाई आ गया पेट्रोल पंप वाले, एक तो कोने में जाके पेट्रोल पंप खोला है तूने, राम का पिल्ला, आधा पेट्रोल तो तेरे यहाँ आने में खत्म हो जाए। लो भाई पहले इसमें लगाओ और चालू करो, ये पैसा कट रहा है देख रहे हो तुम, पैसों की बारिश हो रही है। मेरे पास 900 रुपए बचे वैसे तो, और 2000 लोन का है भाई, अभी इसको डालो इसके अंदर। अरे गाड़ी में नहीं बैठना है, पागल है क्या तू, थोड़ा सा उठाओ तो डालो इसमें, तो करो ऑन, ये लो भरना चालू हो गया। ये ऐसी कैंस भी लानी पड़ेगी भाई, 2-4 घर पे रख लेंगे, क्या दिक्कत है फ्यूल भर भर। चलो भाई अब गाड़ी से चलते हैं डायरेक्ट, और ये छूट गई अपने आप, टूट गई भाई, उनकी नली तोड़ दी मैंने, क्यों माता पच्ची करूं, मेरी दिक्कत थोड़ी है ये। लो भाई अब मैं एक भर लूं क्या, डियर भर लूं, इधर आइयो रे, तू जब पास में है ही तो दिक्कत वाली बात क्या है भाई, सही बोली कि नहीं बोली। महंगे बिकते हैं भाई ये भी, खूब महंगे बिकते हैं, 100 रुपए आ जाएंगे 2 बेच के। चलो अभी चलते हैं आगे, अगर वो तीसरा वो एक और मारा था डियर वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और भाई उस दिन मैं यहाँ गया था ना यार, यहाँ गया था मेरे को इतने सारे डियर मिले थे, पता नहीं यहाँ पे क्या ही चक्कर था, थोड़ा जंगल सा एरिया है ना, यहाँ पे कोई आता नहीं है, मेनली तो मैं नहीं आता इसलिए बहुत सारे डियर रहते हैं। अभी आ गए अपन डायरेक्ट हार्डवेयर स्टोर पे, और हार्डवेयर स्टोर यही वाला है ना, ये रहा भाई हार्डवेयर स्टोर, यहाँ लगाओ गाड़ी, ठीक है खोलो गेट, लाओ भाई। अब मुझे बताओ देखो मेटल मिल रहा है 50 है ना मेटल, और उसमें 150 मतलब 1500 रुपए का मेटल खरीदूंगा ना जब मेरा एक विंड मिल बनेगा, बाकी 32 रुपीज के 8 प्लैंक मिल रहे हैं, क्या मुझे ये खरीदना चाहिए। और गाइस इसके अंदर फूड प्रोडक्शन में एक कॉम्पैक्ट कुकर है, जिसमें शायद मैं कॉम्पैक्ट कुकर इसके ऊपर शायद गैस जलेगी और पैन रख सकते हैं शायद, एक बार मैं ये खरीदने वाला हूँ, ये 2 चीज तो मैं खरीद रहा हूँ, देखेंगे क्या काम आती है दोनों चीजें। बाकी तो ट्रॉलर्स वगैरह है, और अरे यार ये फार्मिंग कहाँ पे कर सकते हैं अपन इतनी बड़ी सारी। ऑयल बैरल है, ऑयल बैरल क्या काम आता है, आधी चीजें तो पता नहीं है। ग्लासेस है, वुडन प्लैंक्स है, वुडन प्लैंक्स ले रहा हूँ भाई 191 का, ये चेकआउट करते हैं। मैंने कुकर लिया है एक, तो कुकर था क्या था भाई भूल गया मैं, इसको उठाओ और इस छोटे से रस्ते से यहाँ रख, इसको यहाँ रखो, इसको उठाओ और इसको लेके चलो बाहर, इसको रखो यहाँ पे, अरे अब आएगा ही नहीं है, देख आ गया आ गया। और भाई ये सेल कर सकता हूँ क्या मीट, यहीं की यहीं बाहर रखा हुआ है शायद, मैं सेल मीट कर सकता, मीट सेल कर सकता हूँ। अरे क्या, अरे नहीं कर पा रहा, छोड़ो अब गाड़ी कौन घुमा के अंदर लगाए यार, लगा ही देता हूँ मैं, रुको इसको यहाँ से लेके चलो, क्योंकि मेनली तो क्या है जगह खाली हो जाएगी और कोई बात नहीं है, आराम के चूदे ही है बिल्कुल, कोई नहीं भारी बना दे। चलो भाई ये मीट भी मैं बेच देता हूँ, कहाँ गया मीट, ये वाला मीट बेचना है 45 का, बाकी कुछ नहीं बेचना है, लेट्स गो। अभी चलते हैं भाई डायरेक्ट पोते के बगीचे, और वहां जाके मेरे को दूध धोना है, और धोना बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई पता नहीं, छोड़ो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट अपनी यहीं की साइड था कहीं भाई। अब मैं बिना मार्क लगाए बिना वो लगाए जा रहा हूँ, देखते मैं पहुंच पाता हूँ कि नहीं, पहुंच गया भाई, दिख गया ये रहा सामने की साइड है। ए ठुकना नहीं बिल्कुल भी। चलो भाई मैं आ गया हूँ, और अब मैं लेके आया हूँ कुकर वगैरह, ठीक है इसके अंदर ही शायद बनना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ तो वो चाहिए था ना, रुक इधर इसको रखो यहाँ पे, और क्या ये पैन इसके ऊपर आ जाएगा, हाँ मेरे को लगा ही था, मुझे लगा ही था। अब ये दूध बाटली डालो इसके अंदर, और ये जो है टांग है इसमें, हाँ ये डालो इसमें, और दूध आना चालू हो गया वापस से, खाना खत्म तो नहीं हुआ ना, खाना खत्म नहीं हुआ है, पानी भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो दूध आ रहा है बहुत भयंकर, दूध आ गया है, इसको बंद करो, इसको उठाओ लेके चलो बाहर, और E2 एड, ये मैंने कर दिया एड, स्टार्ट कुकिंग, और ये कुक होना स्टार्ट हो गया, रुक जा वही ये कुक होके होगा क्या, लेकिन मैंने चीज वगैरह तो डाली नहीं, कहाँ रखी थी वो मैंने, अरे वो मैं लाया था वो कहाँ रख दी मैंने, अरे मैं एक चीज लाया था ना भाई, किसी ने देखी है क्या तुम लोगों में से, ये कुक तो हो गया, अभी इसका क्या करूं, E2 टेक प्रोडक्ट ले लिया। ओ ये क्या है, ये है क्या, वो सब तो ठीक है, ये है मैंने क्या बना दिया ये मुझे ही नहीं पता है, रुक जाओ, अरे ये रखा ये देखना ये रख, इसमें डाल सकता हूँ क्या मैं, नहीं इसमें नहीं डाल सकता, रुकना दूध को, दूध कितना बचा है मेरे पास, दूध बचा है, इसमें डालो वापस दूध, ठीक है इसको लो, और E2 रिमूव, E2 ऐड, अच्छा ये मैंने डाल दिया है, और ये कुक होना स्टार्ट हो गया भाई, इस बार कुछ नया बनेगा, ये देखना इसमें एक खत्म हो गया है, ये नॉर्मली पका हुआ दूध है शायद, और इसमें देखते हैं भाई क्या बनता है। चलो ओके ये भी बन गया है, और ये शायद अलग है भाई, दिखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, चल के देखते हैं। जनरल स्टोर पे उनका नाम तो लिखा हुआ आएगा ही, और अगर अच्छी रेट मिल रही होगी तो भाई बेच भी देंगे, वैसे क्या ही करेंगे इसका, बेच ही देंगे। रात हो गई गंदी वाली रात हो गई, शायद चीज बन गया, या फिर उबालने से तो उबला हुआ दूध हो जाता है भाई, चीज कैसे बनता है। चलो भाई इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या बना है भाई, ये सेल करते हैं एक तो, उबालने से कर्ड बन गया भाई, और व्हाइट मोल्ड, एक नॉर्मल व्हाइट मोल्ड बना है। अब भाई ये सस्ता
बिक रहा है या फिर महंगा बिक रहा है दूध से, ये बहुत महंगा बिक रहा है, कुछ भी बोलो। बाये में चलते हैं। अब मुझे समझ में आ गया ये क्या काम आएंगी तीनों चीज, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। 125 वाला तो मैं पहले भी लेके गया हूं, वो नहीं ले जा रहा हूं। 125 वाला ये है ना, करते हैं परचेस। चलो भाई 390 रुपए के परचेस कर दिए, और अभी कल के दिन वापस 86 रुपीस कटेंगे मेरे। इसको रखते हैं यहाँ, तो रखते हैं यहाँ, और अभी चलते हैं फटाफट से अपने घर। चलो भाई ये सामान को अभी के लिए यही रखे रहने देते हैं, कल के दिन मुझे ये भी देखना है भाई वो मुर्गियां वगैरह हो रही है कि नहीं, ये फेंसेस वगैरह भी देखने हैं, और इन चीजों को मैं उतार देता हूँ यहीं पे, ठीक है। ये यहाँ पे रखी रहेंगी। और भाई ये बीहाइव तो मेरे कोई काम ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। रखो यहाँ पेट्रोल की बाटली भी रख दो यहाँ पे। गाड़ी में बैठते हैं और रेडियो चला के चलते हैं आराम से अपने घर तक। पर क्या रेडियो ऑन रह सकता है क्या, रात में रेडियो चला के सो जाऊंगा। देखो चल रहा है भाई, गुड नाइट गाइस। 86 रुपीस कट चुके हैं भाई, बाकी इसका रेडियो ऑफ कर देते हैं। और भाई आज के दिन देखते हैं मुर्गियों को, क्या इनने कुछ अंडे दिए, और उन अंडे तो दिए होंगे लेकिन अभी तू बाहर क्यों सोया है। और भाई इनके अंदर है ना एक और चीज आती है कि अंडे भी चेक कर सकते हैं कि ये फर्टिलाइज है कि नहीं है, मतलब अंडों से बच्चे आने वाले हैं कि नहीं है, तो वो चीज अपन अगले एपिसोड में पता लगाएंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने भाई मतलब जो अपग्रेडेशन करा है ना वो नेक्स्ट लेवल है, अपने को कर्ड मिल गया है और अलग अलग तरीके के कर्ड मिल गए जो बहुत महंगे बिकेंगे। और अगले एपिसोड में बाकी मैं काओ वगैरह ले आऊंगा, काओ तो ले आया हूँ, बुल और गोट लानी है मेल वाली। तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।